प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ग्रामीण क्षेत्र में कच्चे मकानों व झोपड़ी में रहने वाले सभी गरीब परिवारों को पक्का आवास मिलने का प्रावधान है, परंतु बड़े अफसोस की बात है कि जौनपुर जिले के रामनगर ब्लॉक के बुद्धिपुर गांव में हिरावती सहित लगभग 15 परिवारों को पक्का आवास न मिलने से काफ़ी समस्या का सामना करना पड़ रहा है। समस्या बाकी घर द्वार गिरे था, 14-15 लोग बाई कब बिटिया नात नतरुआ पतोह लेके कहाँ रही, एक घरे में चुहत बा कुल अरे कुल गेहूँ चाउर जो थोड़ बहुत धरे बाई कुल भीज भाज जाता टे रात बैठ के मनई रात बीता भरभराए के गिरेता। आपका बीपीएल सूची में नाम बा? बीपीएल सूची में नाम बा। समस्या ये पड़त मनई नरेगम कट के आत फलक घर रहा होता है, एक घरे में सर सामान धर बुक सास ससुर चट्ठे के देला खटिया मचिया घर रहा होता है, एक खखे और तो आवास मिल जाते तो मनई भला खट के आत तो खाए के आराम से छाए खड़ा हो सकत रहा बैठ सकत रहा, ठंडी समय में तनाम से बैठ सकत रहा, बस काला हो लगा था जैसे बरसात तब बहुत मनई एकदम उठा हो जाता था, मनई एक बार तो बैठ के रात बिताए पड़ जाता था, नहीं खड़े खड़े एक घर में कैसे इतना परिवार 7-8 जने बाहें चट्ठे का देला बाहें जो पुरानी सास ससुर बाहें कैसे गुजारा हो। तो खुद का अपन आवास का ही नहीं बनवाए घर खुद का वह बताते थे दो दिन चार दिन नरेगा काम मिला था, दो पुरानी 1-2 लाख कैसे मिल सके नरेगा में कितना काम और चट्ठे का देला बाहर सबके देला गोड़ा टूटा दवाई दर्पण चला था, यहाँ 4-5 जने खोजो पिए होगा देला बाहर तो कैसे बन सके। इस वीडियो को देखने वाले आप सभी दर्शकों से हमारी अपील है कि रामनगर ब्लॉक के वीडियो के मोबाइल नंबर 9454-4652-77 पर कॉल करके दबाव बनाएं। मैं उषा पटेल जौनपुर जिले के उत्तर प्रदेश इंडिया नहर के लिए।